वेलकम स्टूडेंट्स, ये आज जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ अबाउट द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इसमें आप देखेंगे कि दो टाइप के होते हैं ये, एक तो एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, और जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जो पसंद नहीं करते हैं, वो होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम। और जो पसंद करते हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, वो होते हैं बैसिलस। तो ये दोनों ही बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पोर बनाते हैं, यानी कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर अपने अंदर बना लेते हैं, और जिसके अंदर इनका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल रहता है, बाकी सारा उसको बस ये सेव करके रखते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ये दोबारा से अपना सेल बना लेते हैं और फिर से नॉर्मली अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस करने लगते हैं। और जब तक फेवरेबल नहीं होती कंडीशन तो ये डोरमेंट पड़े रहते हैं। तो इसलिए क्या है, ये इनकी खासियत है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये मरते नहीं हैं, बल्कि अपने आप को सेव करके रख लेते हैं ताकि जब फेवरेबल आएंगी तो ये सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं बैसिलस को, इस एनारोबिक क्लॉस्ट्रीडियम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें कि बैसिलस, तो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, उनको एग्ज़ाम में ये टॉपिक उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो एक तो ये कि ये एरोबिक होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो इसके स्पोर्स होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो ये वाली जो स्पोर्स हैं, जो खाली जगह है, ये हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं, यानी कि हीट को टॉलरेट कर लेते हैं। फिर अगर आप देखें तो ये लंबे लंबे बैसिलाए होते हैं, ये भी आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव आपको बैसिलाए पर्पल कलर के दिख रहे हैं स्मियर के अंदर, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हैं। और जनरली मोटाइल, ज़्यादातर बैसिलस मोटाइल होता है, उसके चारों तरफ फ्लैजिला होते हैं, उस जब चारों तरफ फ्लैजिला होते हैं तो हम कहते हैं पेरीट्राइकस फ्लैजिला है। और ये एंथ्रेक्स बैसिलस, इन सारे बैसिलस में से जो एंथ्रेक्स बैसिलस है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह सर्किल किया है टू शो कि ये एक एक्सेप्शन है, ये नॉन मोटाइल होता है। तो ये कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि कौन सा बैसिलस नॉन मोटाइल है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रेक्स बैसिलस नॉन मोटाइल होता है। फिर आप लिखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का बैक्टीरिया है, तो साइक्रोफिलिक से लेके, यानी कि लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके मोर देन 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ग्रो कर सकते हैं। अच्छा खासा सॉल्ट टॉलरेट कर लेते हैं, 2% से लेके 25% NaCl तक अगर इन्हें मिले तो भी ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आपको बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ये आप इसकी देख रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हर जगह मौजूद होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है। तो इसको, जब कोई चीज़ हर जगह मौजूद होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो यूबिक्विशस है, यानी कि हर जगह मिलती है, सॉइल में, डस्ट में, पानी में, एयर में। और अगर बैक्टीरिया हर जगह, सॉइल, डस्ट, वाटर, एयर, हर जगह अगर मिल रहा है तो क्या होगा कि वो किसी भी चीज़ से अगर टच होगी, एयर अगर किसी भी चीज़ से टच हो जाएगी तो वहीं पे वो ग्रो कर जाएगा। तो अगर आपका कल्चर मीडिया, जो आप प्लेट्स बनाते हैं लैब में, अगर वो मीडिया खुला रह जाए और उसके टच में कोई डस्ट या सॉइल या पानी या एयर ऐसी आ जाए, तो उसके अंदर बैसिलस के बैक्टीरिया हो सकते हैं, और दूसरे दिन आपको वो आपके जो कल्चर प्लेट होगी उसमें आपको ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे ज़्यादा कल्चर प्लेट को कंटेमिनेट जो करता है वो होता है बैसिलस स्पीशीज। अब अगर आप बैसिलस एंथ्रेसिस की बात करते हैं, तो ये बाकी बैसिलस से अलग बैक्टीरिया है एंथ्रेसिस, और ये एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, जो कि जूनोटिक डिजीज होती है, यानी कि एनिमल से में ज़्यादातर होती है और वहाँ से ह्यूमंस में आ जाती है। तो जू माने एनिमल, तो जू इसलिए हम इसको कहते हैं कि जूनोटिक डिजीज़ है। एक जो इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो
आपके डिजीज कॉज करा सकता है एनिमल्स में, वो सीरियस है। तो आपको एंथ्रेसिस स्पीशीज और सीरियस स्पीशीज याद रखनी पड़ेगी। और ये आपको क्या कराता है, फूड बॉर्न गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी कि जब आप इससे इन्फेक्टेड फूड, यानी कि वो फूड जिसके अंदर सीरियस प्रेजेंट है, वो अगर आप खा लेंगे, तब आपको डायरिया और वॉमिटिंग हो सकती है। कुछ स्पीशीज इसकी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कराती हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है मरीज़ की और वो वीक हो जाता है, तो कोई भी बैक्टीरिया जो नॉर्मल आदमियों में डिजीज़ नहीं करा सकता, वो इनमें डिजीज़ करा देता है। अब हम पढ़ते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में। तो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होना चाहिए, वैसे एग्ज़ाम में नहीं आती है, मगर फिर भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम पढ़ सकते हैं। तो ये पहला पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जिसको कि माइक्रोस्कोप में देखा था पॉलेंडर ने 1849 में। जो डेवेन थे 1850 में, उन्होंने पहली बार फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट होती है बाय इनोक्यूलेशन ऑफ द ब्लड, ऐसी डिजीज़ जो कि अगर आप ब्लड को इधर से उधर इन्फेक्शन हो जाए, छुल जाए, और अगर उसके अंदर बैसिलस हो तो वो एक से दूसरे में जा सकती है। पहला बैसिलस है ये जो कि आइसोलेट किया गया था प्योर कल्चर में, यानी कि पहली बार कॉक्स ने इसको देखा था और इसको आइसोलेट किया था आर्टिफिशियल मीडिया पे। तो कॉक्स ने 1876 में इसको कल्चर मीडिया पे ग्रो कर दिया था। उसके बाद पास्चर ने 1881 में, ये वो पहला बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाने के काम में आया, यानी कि अगर हम बैक्टीरिया को कमज़ोर कर दें तो वो वैक्सीन बन जाती है, और उस ये वैक्सीन बनी, ये पहला बैक्टीरिया था जिससे कि इस टाइप की वैक्सीन बनी। एंथ्रेक्स जो है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में काम आता है, यानी कि इसको अगर लिया जाए और इसको फैला दिया जाए तो इससे इसकी बीमारी से लोग मर तक जाते हैं। तो अगर आप इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को फैला दें तो क्या हुआ, यूएसए में 2001 में कुछ लोगों ने इसको मेल के थ्रू, इस बैक्टीरिया को लेटर्स के थ्रू इधर से उधर बहुत जगह फैला दिया, लेटर्स के अंदर भेज दिए स्पोर्स बना बना के, और जो लोग इससे इन्फेक्ट हो गए उनको उनकी डिजीज़ और डेथ्स हो गई। तो ये 2001 में ऐसा हुआ। फिर आपको जो बैक्टीरिया होता है उसकी मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए, यानी कि वो शक्ल में देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप इसे टिश्यू के अंदर देख रहे हैं, यानी कि अगर आपने एनिमल या प्लांट सॉरी एनिमल या ह्यूमंस का एक टिश्यू या ब्लड सैंपल निकाला, तो उसमें आपको जो पिक्चर दिखेगा वो इस तरीके का दिखेगा, राइट? ये इस तरीके का इसके अंदर दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कि हम ये जो चारों तरफ इस पूरे बैक्टीरिया के आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है कैप्सूल, और इन केस ऑफ बैसिलस ये जो कैप्सूल होता है ये पॉलीपेप्टाइड से बनता है, यानी कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। किसी किसी बैक्टीरिया में ये अलग पॉलीसेक्राइड का होता है, इसमें पॉली दूसरा चीज़ के अंदर होती है कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल है ये नॉर्मली ऑर्डिनरी कंडीशन में आपको नहीं दिखाई देता है। तो अगर आप मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाएंगे तो ये कैप्सूल आपका चारों तरफ बन जाएगा। उसमें होता है बाइकार्बोनेट, या फिर आप मीडिया के अंदर 10-25% CO2 अगर आप मीडिया को रखते हैं इस तरह के एटमॉस्फेयर में जहाँ पे CO2 होती है, तो वहाँ पर भी कैप्सूल के बनने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं बनते। अगर आप CO2 नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप सीरम डाल दीजिए, एल्बुमिन डाल दीजिए मीडिया में, या फिर चारकोल या स्टार्च डाल दीजिए। अगर आप ये चीज़ें डाल रहे हैं तो भी, मगर यहाँ पे आपको CO2 अगर नहीं भी होगी तो भी आपका कैप्सूल बन जाएगा। फिर अगर हम कल्चर्स देखते हैं कि कहाँ पे ग्रो करेंगे, तो अगर कल्चर के अंदर देखें जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट मीडिया ले सकते हैं, वहाँ पे आप इस तरीके की अपीयरेंस देखेंगे। इस अपीयरेंस को जबकि ये एक के पीछे एक के पीछे एक प्रेजेंट होता है, ये ऐसा लगता है जैसे बैम्बू स्टिक हो, ठीक है, जो बांस होता है उस तरीके का दिखता है।
कई बार इसकी शेप पीछे से ऐसी भी होती है, तो ये कॉनकेव एंड्स कहलाते हैं। तो ये बैम्बू स्टिक अपियरेंस है इसकी। और दूसरी जो इसमें चीज़ें होती हैं वो होते हैं स्पोर्स। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं।